Hi everyone and welcome back to our channel. In fact, welcome back to me on this channel. I know मैं बहुत ज़्यादा inconsistent हो गई हूँ एंड मैं regularly post नहीं कर पा रही हूँ एंड extremely sorry for that. मुझे खुद को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि जो चीज़ मुझे करना इतना पसंद है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ. बहुत सारी changes से गुजर रही है मेरी ज़िंदगी एंड देन बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी बढ़ जा रहा है. ऑफिस के चक्कर में यूट्यूब सेक्रीफाइस हो रहा है, लाइक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ. एंड कभी कभी बीच में ऐसा भी हो गया था कि मुझे कंटेंट ब्लॉक हो गया था, मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या बनाना है एंड आई वाज लाइक ओवरवेल्म्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड मी. सो मेनी थिंग्स आर चेंजिंग एंड बट आई डोंट वांट टू यू नो वो जो ग्रिप होती है ना वो मेरे को नहीं छोड़ना है यूट्यूब से. तो टुडे आई वाज लाइक नहीं, मुझे वीडियोज़ बनाने ही हैं, कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, लाइक एनी रैंडम ब्लॉग और एनी थिंग दैट कम्स टू माई माइंड, बट आई हैव टू क्रिएट इट बिकॉज ज़्यादा देर तक ऐसे मुझे टच नहीं छोड़ना है यूट्यूब से. सो आई डोंट नो, सो दिस वॉज द लाइफ अपडेट. एक्चुअली अपडेट्स तो बहुत सारे हैं बट देन धीरे धीरे करके आगे की वीडियोज़ में आपको समझ आता जाएगा मैं कहाँ बिजी हूँ, क्या कर रही हूँ, वट एक्चुअली इज गोइंग ऑन विथ माई लाइफ. ऑल्सो आई डू गेट इंस्टाग्राम मैसेजेस आस्किंग कि दीदी आपने यूट्यूब छोड़ दिया क्या. तो नहीं, मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा है और मेरा कोई इरादा भी नहीं है. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट लाइफ लॉन्ग. सो या मैं यूट्यूब नहीं छोड़ रही हूँ. ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु बीन आस्किंग इफ आई एम डूइंग वेल और नॉट. मैं मेंटली फिजिकली ओके, प्लेन हमेशा ही जाता है यार जब भी मैं वीडियोज बनाती हूँ. लेट्स जस्ट वेट. सो थैंक यू सो मच फॉर चेकिंग अप ऑन मी, इट रियली मीन्स अ लॉट. मुझे नहीं लगा था कि वर्चुअल फैमिली में भी इतना ज़्यादा प्यार होता है. दैट पीपल हैव बीन आस्किंग इफ आई एम ओके और नॉट. मैं ठीक तो, मुझे फीवर तो नहीं हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, सब कुछ सही है या नहीं. तो सब कुछ सही है, इट्स जस्ट कि लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, मूविंग प्लेसेस. सो या दैट इज़ द थिंग. मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँ, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेंट क्रिएट करूँ, जो कि अभी तो जैसे कि मैंने कहा कॉन्टेंट ब्लॉग हो गया है मुझे. बट स्टिल अभी फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन इज अराउंड द कॉर्नर, सो आई एम जस्ट थिंकिंग टू मेक समथिंग ऑन दोज लाइन्स ओनली. तो मैं सोच रही थी कि मैं कमिंग वीक्स में ना जैसे सीरीज होता है ना वैसा कुछ बनाऊंगी, लाइक रिलेटेड टू फेस्टिव यू नो प्रेपरेशन, वेडिंग प्रेपरेशन एंड एवरीथिंग. सो वर्किंग ऑन दैट फॉर नाउ. एंड ये बहुत ही रैंडम वीडियो था, मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ चिट चैट ही करूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि चिट चैट इतना सारा करूंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे. एंड रिस्पेक्टिंग योर टाइम, मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है. एनी विच वे आई डोंट लाइक मेकिंग लाइक रियली रियली लॉन्ग वीडियोज. सो ये इंट्रो विंट्रो नहीं था, मैं बस आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मेरे साथ लाइक देर आर फ्यू थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन विद माई लाइफ एंड इस वजह से मैं नहीं हूँ कंसिस्टेंट यूट्यूब पे, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. आई विल कीप ऑन ट्राइंग माई बेस्ट. एंड लाइक आई सेड कि बहुत ही रैंडम वीडियो था, मैंने कुछ ऐसे स्पेसिफिकली टॉपिक तो नहीं सोचा था, बट देन क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे ना नायका से एक पार्सल डिलीवर हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एटलीस्ट वो तो इंक्लूड कर ही देती हूँ. इट्स जस्ट अ हॉल, इट्स अ हेयर केयर हॉल, बिकॉज आई वॉन्ट टू यू नो एम्प अप माई हेयर केयर गेम ऑल्सो, लाइक विदाउट यूजिंग एनी हीट टूल्स एंड ऑल, कुछ भी यूज नहीं करना है. सिर्फ जो नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर मास्किंग होती है सब उतना ही करने का मैं सोच रही हूँ. सो अभी के लिए सिर्फ हॉल शेयर करते हैं. इसका जो रिव्यू है वो मैं कमिंग वीडियोज में शेयर करूंगी. लेट्स जस्ट गेट ऑन टू द हॉल. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई हैव गॉट इज अ शैम्पू एंड कंडीशनर. सो लाइक ये सारे ना बहुत हाइप्ड प्रोडक्ट्स रहे हैं इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे, बहुत ही ज्यादा हाइप्ड प्रोडक्ट्स रहे हैं ये सब. तो मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी दैट आई ट्राइड हाइप्ड हेयर केयर और मे बी आई बॉट हेयर केयर इन्फ्लुएंस और मे बी इन्फ्लुएंसेस मेड मी बाय सो एंड सो हेयर केयर. ऐसे ऐसे कुछ लाइन्स पे अभी तक मैंने सोचा नहीं है, बट हाँ ऐसे कुछ करूंगी. यू नो कितने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो इतने हाइप्ड अप होते हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि यार सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए. ऐसा ही कुछ हुआ है. सो यार फॉर द फर्स्ट वन इज दिस OGX ब्राज़ीलियन केराटिन स्मूथ शैम्पू एंड कंडीशनर. तो ये इस तरीके के बॉक्स में आया है. एक्चुअली अलग अलग भी मिलता है बट मुझे कॉम्बो में मिल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं यही ले लेती हूँ. आई विल जस्ट ओपन इट एंड शो इट टू यू. सो ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है. बहुत ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग है. आई डोंट नो वाई बट मुझे ना आजकल ये शैम्पेन बेज कलर बड़े पसंद आ रहे हैं हर चीज़ में, कपड़ों में एंड देन शूज में, और अब तो ये भी बड़े अच्छा लग रहा है मुझे. सो दिस वन इज बेसिकली फॉर यू नो केराटिन इन्फ्यूज़ करने के लिए आपके बालों में. फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर केराटिन करवाया है और नहीं भी करवाया है, जैसे कि मैंने तो नहीं करवाया है, लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि मैं इसको एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी. हो सकता है कि इससे मेरे बाल और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और ज़्यादा अच्छे मैनेजेबल हो जाए, बिकॉज यूजली विंटर्स में तो बाल सही रहते हैं, लेकिन ये जो ह्यूमिड वेदर चल रहा है ना, आई डोंट नो कभी भी चलता है ह्यूमिड वेदर, तो उस वजह से थोड़ा फ्रिज हो जाता है.
तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको यूज़ करूँगी. ऑल्सो दिस इज सल्फेट फ्री, तो इट्स गुड फॉर हेयर. सो या बाकी जो डिटेल्स है, लाइक आई सेड, कमिंग वीडियोज़ में जब मैं शेयर करूँगी प्रॉपर प्रॉपर रिव्यू तब बताऊँगी आपको. सो दिस इज OGX ब्राज़ीलियन केराटिन स्मूथ शैम्पू एंड कंडीशनर. नाउ द सेकेंड वन इज अगेन वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट. दिस वन इज फ्रॉम लॉरियल. इट्स देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सेरम. नाउ ये तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, 3-4 बार मैंने यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा. सो दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. इट्स अ वेरी वेरी गुड बॉटल. सो दिस इज द वन. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल बॉटल एंड एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लगती है इसकी बॉटल. सो दिस इज द सेकेंड वन. नाउ कमिंग टू द लास्ट टू इज अ हेयर मास्क फ्रॉम लॉरियल अगेन फ्रॉम द सीवी एक्सपर्ट रेंज. इट्स देयर गोल्ड हीनो एंड प्रोटीन एब्सोल्यूट रिपेयर मास्किंग इंस्टेंट रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट स्मेल्स रियली नाइस. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसकी जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी ज़्यादा बटरी लग रही है, स्मूथ लग रही है. अभी तक यूज़ तो नहीं किया है बट हाँ, यूज़ करने के बाद डेफिनेटली आपके साथ रिव्यू शेयर हो जाएगा. सो दिस इज द वन. ये सब मैंने नायका से लिया है लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग. ऑल्सो इनके जो लिंक्स हैं वो मैं नीचे मैंशन कर दूंगी इन केस अगर आप सोच रहे हो कि आपको भी न्यू कुछ हेयर केयर चाहिए तो यू कैन चेक दिस वन आउट. नाउ कमिंग टू द लास्ट वन इज फ्रॉम प्लम. इट्स द प्लम ऑलिव एंड मैकेडेमिया मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क. मेरे बालों को बहुत ज़रूरत है मॉइस्चराइजेशन की. मॉइस्चराइजेशन रहता है बालों में तो फ्रिज कम होता है. सो दिस इज अगेन द हेयर मास्क एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पूरे YouTube पे एंड एवरीवेयर. सो आई जस्ट थॉट दैट आई विल गिव इट अ ट्राई. सो इसमें से जो है मैंने सेरम यूज़ कर चुकी हूँ मैं पहले तो या बाकी तो सारे नए ही हैं. सो वंस आई एम डन यूजिंग आई विल बी शोइंग इट टू यू कि मुझे अच्छा लगा नहीं लगा, पैसे डालना चाहिए, इन्वेस्टमेंट है या वेस्ट है. सो यार दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आप लोग यू नो आई एम अपोलोजाइजिंग सो मच कि मैं गायब हूँ YouTube से. आई विल ट्राई कि मैं और ज़्यादा कंसिस्टेंट होती जाऊँ. इट्स गुड फॉर अस एंड लाइक फॉर बोथ ऑफ अस. मेरा भी मन लगा रहेगा लाइक डूइंग समथिंग दैट आई रियली लाइक. एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग मेरा छोटू सा मिनी हॉल एंड मेरी बहुत सारी अपॉलोजीज. एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.